डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, और गिवन दिया हुआ है कि कोस ए इक्वल्स टू कोस बी अगर है तो देन सो दैट आपको एंगल ए इज इक्वल्स टू आपको शो करना है एंगल बी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ बोला है कि ए और बी क्या है भाई, एक्यूट एंगल है ना। तो एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इसे हम लोग ले लेते हैं ए और इसे ले लेते हैं बी, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है ना। तो इससे हम लोग ले लेते हैं सी, ठीक है। तो लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल सी, ये लिख लेते हैं सबसे पहले। लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एट सी। सी आपका हो गया 90 डिग्री, क्लियर। अब देखोगे, अब आपके पास गिवन है कि कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये गिवन है कि कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ठीक है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं भाई, अगर ए को ले, एंगल ए को ले, तो एंगल ए के लिए है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपोजिट वाला, और ये फिर क्या होगा आपका बेस, है ना। तो अगर कोस ए के लिए अगर लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो कि अब ये कोस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस कोस के लिए, ये तो आपको पता ही है कि कोस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये तो हाइपोटेनियस फिक्स्ड है, अगर एंगल ए के लिए अगर ले तो ये फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस एंगल ए के लिए, ठीक है ना, इस एंगल के लिए, क्लियर। इस एंगल के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा फिर बेस, ए सी बाय ए बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कोस बी के लिए फिर क्या लिखेंगे। अब देखोगे एंगल बी, अब ये हो गया, अब इस एंगल बी के लिए इसका अपोजिट यानी ए सी, ये क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ लिख दे रहा हूँ, और ये फिर हो जाएगा आपका बेस, ये इसके लिए हो जाएगा, है ना। तो देखोगे अब यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया फिर ये बी सी बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो ये हो गया ना आपका ए बी, ठीक है। तो अब ये ए बी, ए बी ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो देखोगे अब आपको साइड मिला ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ए सी कहाँ है, तो ये हो गया ए सी, और बी सी कहाँ है, ये हो गया बी सी। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये तो आप पढ़ के आए हो थ्योरम, ठीक है। तो देखोगे अब ये ए सी, तो ए सी का अपोजिट क्या होगा, ये वाला एंगल ना, एंगल बी, तो इसको आप लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल्स टू अब बी सी, तो बी सी के लिए अपोजिट एंगल फिर क्या होगा, ये होगा ना इसका अपोजिट, ये एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, ठीक है, इसको इम्प्लाइज लिख के ए इज इक्वल्स टू बी, कंडीशन लिख दोगे इक्व एंगल अपोजिट्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल ए इज इक्वल्स टू आपका एंगल बी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करवाया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।